हेलो फ्रेंड्स, एफर्ट वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो जैसा कि आपको पता है, हमारी सीरीज चल रही है स्टिल लाइफ से रिलेटेड, और मैं आपको स्टिल लाइफ के बारे में बताता हूँ इसमें, इस क्लास में। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि चार ऑब्जेक्ट को कैसे बनाते हैं विद शेडिंग, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एक ही ऑब्जेक्ट को डिटेल में कैसे करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा एक जग को बना के और डिटेल में। तो ऐसे ही हम कुछ जैसे टेराकोटा है, टेराकोटा का कोई ऑब्जेक्ट लेके उसको बनाएंगे कि उसमें वो मिट्टी का फील कैसे दिखा सकते हैं हम शेडिंग में। कोई स्टील का है ऑब्जेक्ट तो स्टील वो जो शाइन आती है वो कैसे दिखा सकते हैं कि अगर हम बना रहे हैं तो वो स्टील लगना चाहिए, ना कि कोई अलग ऑब्जेक्ट लगे। तो जो उसकी ब्यूटी है ना, जैसे कोई ईट है तो ईट लगनी चाहिए कि हाँ, ईट को अगर ब्लैक एंड वाइट कर दे तो वो शेड जो दिखता है ना, तब पता चलता है कि वो ईट है। तो वो कैसे करना है सब बताऊंगा मैं आपको। ऐसे ही वीडियो में एक एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो लाऊंगा और उसमें जो उसकी एक्चुअल ब्यूटी है शेडिंग की वो दिखाऊंगा। सो अभी मैं आपको एक जग बना के दिखाऊंगा और उसमें शेड करके भी दिखाऊंगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बेस लाइन लेनी है, उसके बाद आपको ओवल बनानी है। तो आपको ओवल बनाने के बाद उसकी ड्राइंग करनी है। जैसे ओवल मैंने बना दिया, हम जब जैसा दिखता है जैसे स्ट्रेट लाइन डाली मैंने दोनों साइड, तो एक स्ट्रक्चर आ गया जग का। अब उसके बाद मैं थोड़ा सा फिनिश कर रहा उसको, थोड़ा सा डार्क कर रहा जिससे कि वो स्क्रीन पे विजुअल हो। जैसे कि मैंने अंदर भी ओवल बनाया है, अभी तो मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, आपको मेजर करके बनाना है। मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ जिससे कि वो आपको अच्छे से दिखे स्क्रीन पर। आपने देखा कि कैसे मैंने दो ओवल के साथ एक जग को बनाया। तो ओवल इम्पोर्टेंट है, लाइन भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो एक जग को जिससे पकड़ते हैं हम, उसको मैं बना रहा हूँ फ्री हैंड।
सो ये बन चुका है हमारी ड्राइंग ऑलमोस्ट। अब हम इसमें शेड करेंगे। सबसे पहले हमको एक बेस टोन मारनी है शेडिंग की। जैसे कि आप देख सकते हो हमने एक शेड किया। अब उसके बाद जहाँ जहाँ पे डार्क है वहाँ पे हम शेड कर रहे हैं। जहाँ जहाँ डार्क पोर्शन है, जहाँ जहाँ डार्क एरिया है उसको पकड़ना हमको और उसमें हमको शेड करनी है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। अभी मैंने ऑलमोस्ट धीरे धीरे वो ऑब्जेक्ट आ रहा है शेड के थ्रू। धीरे धीरे हम डेप्थ को पकड़ रहे हैं। जहाँ जहाँ डार्क कर एरिया है वहाँ पर हम डार्क कर रहे हैं और जहाँ पे वाइट एरिया है वहाँ पर हमको वाइट छोड़ना है। धीरे धीरे जैसे कि आप देख सकते हो अभी वो स्टील की फील दे रहा है, वो ऑब्जेक्ट लग रहा है कि वो स्टील का है। जो हाईलाइट आ रही है उस पर आपने देखा कि कैसे मैं जस्ट डार्कर एरिया को डार्क कर रहा हूँ, बाकी जहाँ पे हाईलाइट है उसको मैं रेजर के मदद से दे रहा हूँ और कुछ कुछ मैं उसको छोड़ भी रहा हूँ। तो अभी जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है थोड़ा सा और डार्क करना है साइडों में, मैं वहाँ डार्क कर रहा हूँ। साइडों में डार्क करने से वो थोड़ा सा राउंडनेस आ जाती है उसमें, फिर वो फ्लैट नहीं लगता। अभी मैं उसके बेस को डार्क कर रहा हूँ।
जहाँ जहाँ उसकी शेडो बना रहा हूँ मैं ऑब्जेक्ट की। और बेस के ऊपर थोड़ा थोड़ा डार्क कर रहा हूँ जहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा सा और होना चाहिए, डार्कर एरिया पे डार्क कर रहा हूँ। कंप्लीट हो चुका है हमारा ऑब्जेक्ट। सो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आपने देखा मैंने कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप बनाया, और पहले मैंने उसमें ड्रॉ किया, देन उसके बाद शेड किया, और ये एक स्टील का जग है और आप देख सकते हो कि मैंने कैसे इसमें दिखाया शेड करके कि ये स्टील का लग रहा है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट बनाते हैं और जो ऑब्जेक्ट होता है जो उसकी ब्यूटी होती है वो दिख नहीं पाती, वो लग नहीं पाता कि वो स्टील का है या फिर टेराकोटा का। सो आपने देखा। सो आने वाली वीडियो में मैं ऐसे ही एक एक ऑब्जेक्ट को डिटेल में बनाने वाला हूँ, आप हमारे साथ जुड़े रहना। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर की नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।